एशियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। दमोह जिले के तेंदुखेड़ा सहित पूरे प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 5 जून से 16 जून तक गंगा जल संवर्धन अभियान के तहत कुएं बावड़ियों को संरक्षित किए जाने तथा जल संरक्षण के लिए अपील की गई, जिसके तहत जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन किए जाते रहे। इसी को लेकर नगर परिषद तेंदुखेड़ा द्वारा गौरैया नदी के तट पर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरैया नदी पर माँ गंगा की आरती की गई, घाटों की सफाई की गई, साथ ही देर शाम बड़ी खैर माता मंदिर में सुंदर कांड पाठ का आयोजन किया गया। 5 जून से विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें कलश यात्रा निकाली गई और कार्यक्रम का समापन गंगा दशहरा पर किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद के कर्मचारियों सहित पार्षद, सफाईकर्मी, कर्मचारी मौजूद रहे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं सहित नगर के गणमान्य लोगों की मौजूदगी रही। एसीएन न्यूज़ के लिए भरत साहू की रिपोर्ट। दाऊद को माइक पसंद नहीं करता करेगा बोमा दूसरों को सबसे बढ़ता ही लोग धन्यवाद। रोपण करते हैं तो हमारा पौधों का सही सिलेक्शन, उनका संरक्षण या बाटर का प्राकृतिक संरक्षण, मान लीजिए जिस प्रकार से प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। दूसरी बात पर्यावरण की बात आ गई, एक दूसरे से ये दोनों सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं। विषय पर्यावरण का भी यही है कि भाई पर्यावरण की ओर हमने ध्यान नहीं दिया। आज हम यदि वृक्षारोपण करते हैं औपचारिकता में सोशल मीडिया में, आज इसका जन्मदिन, आज इस कार्यक्रम में फलाना जी, सारी चीजें होती है। वास्तविक रूप से यदि हम उस पौधे को लगाते हैं तो उसकी चिंता हमको करनी होगी। और मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, यदि उस पौधे की एक साल यदि आपने सेवा कर ली, एक सीजन वैसे यदि निकल जाता है और जब वो ग्रोथ यदि उसमें हरी पत्ती आती है, तब आपकी मन की प्रसन्नता देखी आप कहते हो और उसे देखने हमेशा आओगे कि यार हमने ये पेड़ लगाया था, उसमें आज हरी पत्ती है, फूल या ये फल आ गए, बड़ी मन की प्रसन्नता होती है। तो मैं कह रहा हूँ कि इस ओर भी हमको ध्यान रखना होगा। बहुत सारी चीज़ें होते हैं, अब आपने देखा होगा कि हम वृक्षारोपण में ये चीज़ें भी तय नहीं करते कि हमको किस प्रकार के पौधों का वृक्षारोपण करना है। भाई साइंस की ओर यदि हम देखें, हमारी छोटी छोटी एक बहनें बैठी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन दोनों जीवन के लिए दोनों संतुलन एक बैलेंस का काम करते हैं। यदि पर्यावरण यदि ये पेड़ पौधे नहीं होते तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण हो पाता? यदि नहीं होता तो मैं ये बड़ी बात नहीं कह रहे हैं, जीवन संभव ही नहीं था। मनुष्यों की तो छोड़िए, और जो भी जीव है जो कम टेम्परेचर में भी अधिक टेम्परेचर में भी रह लेते हैं, वो भी उनका भी जीवन संभव नहीं था। तो पेड़ों का हमारी जीवन में कितना अधिक महत्व है, इस बात को लोगों को हमको समझाना होगा। क्योंकि पौधे जो होते हैं वो जो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही है, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के कारण पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करते हैं, एक प्रकार संश्लेषण की फोटोसिंथेसिस, एक आपको मालूम होगा क्या है, क्या होते प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार जल गंगा संवर्धन अभियान दिनांक 5 जून से 16 जून तक चलाया जा रहा था। आज समापन कार्यक्रम था,
हमारे नगर में जो भी नदी तालाब बावड़ियाँ कुएं उनकी सफाई के लिए अभियान चलाया गया। बच्चों में जागरूकता के लिए स्कूलों में रंगोली चित्रकला निबंध प्रतियोगिताएं कराई गई, कलश यात्रा निकाली गई लोगों में, और एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया ताकि लोगों में जल और जल संवर्धन के प्रति जागरूकता फैले और हमारे यहाँ के कुएं तालाब बावड़ियाँ नदियों की साफ सफाई हो और उसमें स्वच्छ जल रहे। इसी अभियान का आज ये मूल मुख्य कार्यक्रम था जो चल रहा है। अभी गंगा आरती हुई है, माँ खैरमाई का मंदिर यहाँ सुंदरकांड का पाठ भी चल रहा है, प्रसाद वितरण होगा। हमारे नगर के सभी प्रबुद्ध जन अतिथिगण और आत्मीय जनों ने यहाँ भाग लिया, मैं सबको उनको हृदय से बधाई देता हूँ, उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये जो जल गंगा योजना है शासन की, उस योजना में फलीभूत करने के लिए शासकीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि तथा ग्रामवासियों ने भाग लिया, जिसमें सभी ने संकल्प लिया कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्बोध है, जो उनका आशा है, उसको हम पूरा करेंगे और अपना पूरा तन मन धन से साथ देंगे और योजना को सफल बनाएंगे। मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार आज नगर परिषद तेंदुखेड़ा द्वारा बड़ी खेरमाई मंदिर परिसर में जल गंगा संवर्धन अभियान के कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश शासन की मंशा है कि क्यों ना इस अभियान के तहत हम प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन करके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़कर जागरूक करके प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन कर सके, ताकि आज हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की बात हो, चाहे पर्यावरण संरक्षण की बात हो, जल संरक्षण की बात हो, जब तक यदि हम जागे जन भागीदारी से और जन जागरूकता के उद्देश्य से यदि हम उनको जागरूक नहीं करेंगे, तब तक हम इस अभियान को सफल नहीं मान सकते। इस उद्देश्य से आज हम सभी ने संकल्प लिया है कि हम ये संकल्प लेते हैं कि हम प्राकृतिक संसाधनों का उचित प्रबंधन के साथ लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके इस अभियान को सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।